स्पॉट वेल्डिंग मशीन, स्पॉट वेल्डिंग, ये मिनी मल्टी कटर है, ओके, ये डबल कलम वेंसो मशीन है जिनको पाइप बेंडिंग है, हाँ, ये आपका सेक्शन बेंडिंग है हाफ राउंड, ये बासबार मशीन है, थ्री फेज, हाँ थ्री फेज है, आपको सिंगल फेज में भी मिल जाएगा, पावर प्रेस मशीन है हर तरह का एकदम, पावर प्रेस में ये बेंड होता है, ओके, हाँ, ठीक है, तो इसके लिए आपका ये नेल मेकिंग मशीन बिठा सकता है, ये है सीएनसी टीएमटी रिंग मेकिंग मशीन। तो फ्रेंड्स आज आम आप एक सब बड़ मशीन प्लांट को तो आप देखिपे जो मशीन सब अच्छे तबे आज आम देख बहुत गुड़े नुआ नुआ मशीन देखा जो गुड़ा आपणकर काम लगे जो मैंने बड़ बड़ कम करमी कंस्ट्रक्शन लाइन हूँ कि जेकोसी बड़ बड़ कम मशीन को लेकिन व्यवहार करेंगे आम पूरा भितर को जाकि देखा तो यह आगे कही रखुच्छी आज आम आसीचु पाठक ग्रुप तो आप देखिपे लिखाई उपरे जोटा कि हूँ कलिकतार तो कलिकतार सबुठ बड़ मशीन अच्छी बहुत गुड़े मशीन अच्छी मो सहित आसतु पूरा फैक्ट्री बुले किना आपन देखे देबी कोन कोन मशीन अछि आपन एठारु मशीन केमिति नेबे आ को मशीन अछि यार ना कोन अछि यार कोन काम करा जाई परबो किछ नुवा देखिया पई आपन को मिलबो तबे आसन मो सहित आपन देखे देबी बहुत मशीन अछि आसन मो सहित। तो फ्रेंड्स आम पूरा फैक्ट्री बुले किंतु देखिबा आ भितर को मशीन सब आपन को मिलबो हम बगर सारा जण अछन जे कि आपन डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देबे। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर जी। सर हम पहले जानना चाहते हैं ये जो पाठक ग्रुप है इसका लोकेशन हम कहां पर आ जाए आज जो लोकेशन। सर पाठक ग्रुप का ये टीएल पाठक ग्रुप है जी। अभी आप लोग जहाँ पर खड़े हैं ये हाँ। है एनएच रोड के ऊपर है हाँ। ये है आपका बॉम्बे रोड के ऊपर ये पीओ आरगड़ी है जी। ठीक है इसको कहते हैं जलान कॉम्प्लेक्स गेट नंबर 3 या तो जंगलपुर गेट नंबर 3। तो ये आप हावड़ा की तरफ से आएंगे तो धूलागढ़ की तरफ बस पकड़ना है। अगर आप खड़गपुर की तरफ से आएंगे तो आपको हावड़ा की बस या कलकत्ता बस जाने से जो बस जाता है उसमें आपको जलान कॉम्प्लेक्स 3 नंबर गेट पे उतरना है। ओके और हम लोग का जो हेड ऑफिस है वो सलकिया में है 115 116 117 जीटी रोड है और दिल्ली रोड में हम लोगों का दादपुर के वहाँ पर और एक सीएनसी का मशीन का फैक्ट्री भी बन रहा है और वहाँ पर और एक शोरूम स्टार्ट हुआ है नया बड़ा। ओके सर ओके सर ओके। सर जी ये जो पाठक ग्रुप है यहाँ पर क्या मशीन आप डील करते हैं। सर यहाँ पर कन्वेंशनल मशीन से लेके सीएनसी मशीन से लेके वर्कशॉप मशीनरीज हाँ। यहाँ पर पूरा आपको वुड वर्किंग मशीन ठीक है हर तरह का वर्कशॉप में जितना सारा मशीन लगता हाँ। है जहाँ पर जिंदाल बीएमडब्ल्यू ये सब मशीन कंपनी से वहाँ पर हम लोगों का मशीन जरूर लगता है। ओके हमें किसी मशीन देखिबा सर जी यहाँ पर एक मशीन है बड़ा बहुत बड़ा मशीन है क्या मशीन है सर। ये सर हाइड्रोलिक प्रेस बैग है ये 3000 mm × 4 mm का हाइड्रोलिक प्रेस बैग मशीन है। यहाँ पर भी प्लेट रोलिंग मशीन है प्लेट रोलिंग मशीन है ये प्लेट को रोल करते हैं। ओके ये हाइड्रोलिक प्लेट रोलिंग मशीन है ये मैकेनिकल प्लेट रोलिंग आप देख सकते हैं। ओके ठीक अच्छे तो फ्रेंड्स आप देखुं सब गुड़ा मशीन आपको देखा मिले वीडियो कंटिन्यू जोड़ी रहता सर जो मशीन अभी हम देखे ये मशीन का गारंटी कितना दिन है सर। सर हम लोगों का छोटा से लेके बड़ा आता है हर मशीन का 1 ईयर का मैन्युफैक्चरिंग वारंटी रहता है। okay. उसके बाद भी सर्विस आपको मिलेगा सर तब काम के हिसाब से फिर सर्विस। सर जी किसी नया मशीन हम देख रहे हैं ये जो मशीन है ये दो खड़ा है सर, ये क्या मशीन है सर। ये स्टैकर मशीन है सर ये 1 टन का स्टैकर है जो लोग अपना गोडाउन में माल को रखना चाहता है स्टैकिंग करना चाहता है उसके लिए 1 टन का है ये 2 टन का है। यहाँ पर नीचे आप थोड़ा छोटा छोटा मशीन देख छोटा ग्राइंडिंग मशीन जो काम के लिए टूल्स लगता है टूल्स के लिए आपका ग्राइंडिंग मशीन है ये आपका हो गया आपका प्लाज्मा कटिंग मशीन है ये ब्लॉल प्रेस है ठीक है यहाँ पर आपको दिखेगा बार कटिंग बार भी ये बार कटिंग है जो बड़ा कंस्ट्रक्शन लाइन में जो टीएमटी रॉड को कटिंग करने के लिए लगता है बेंडिंग करने के लिए वो मशीन भी आपको दिखेगा यहाँ पर। ठीक अच्छे तो फ्रेंड्स आप नंबर दिखाई आपर जो मशीन आवश्यक अच्छी आम देखिए अनेक मशीन एथप कंटाक्ट करेंगे सीधा सीधा कटक कंटाक्ट कले कटक गोदाम गोटे आ गोटे अच्छी पाठक से जापरेंगे तेज आहरी अनेक मशीन अच्छी एपटर सब देखिपे सर जी शॉर्ट जानेंगे प्रोडक्शन यहाँ पर आपको मिलेगा स्पॉट वेल्डिंग मशीन ये मिनी मल्टी कटर है ये डबल कलम वेंसो मशीन है जिनको मेटल कटिंग करना पड़ता है ये डबल हमें ये ऑटोमेटिकली काट के मेटल कटेगा जी। ये हम लोगों का मिनी आयरन वर्कर मशीन है इसमें आपका हाँ। नोचिंग है पंचिंग है पतिहाई है एंगल कर सकते हैं राउंड कर सकते हैं फ्लैट कर सकते हैं आप हाफ राउंड कर सकते हैं हर तरह का सब प्रकार गोटी मशीन रे आप देख पाते सब प्रकार जिनस आदर अच्छी रॉड काटी परिवे गोले कर परिवे बैंडिंग कर परिवे बहुत कुछ अच्छी यह सहित ये सब रहला पिलर ड्रिल मशीन है। ओके जी अच्छा ये नेक्स्ट हां तो फ्रेंड्स आप एपट पासंतु एपट देख पाते मशीन बहुत अच्छी आखी पाइबो ने आपन को बहुत सारा मशीन अच्छी सब मशीन आपन गोटे जगह मिल जाउची
शॉर्ट रे कुछ जानेंगे सर से क्या मशीन है सर? ये सर है डिग्री बेंडिंग के लिए। डिग्री बेंडिंग पाइप को डिग्री में बेंडिंग, जो लोग टोटो अभी जो बहुत टोटो मार्केट में आ रहा है, जी जी, टोटो बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाता है पाइप का, जो स्ट्रक्चर होता है उसके लिए डिग्री बेंडिंग लगता है। ये मोटोराइज पाइप बेंडिंग है, ये आपका सेक्शन बेंडिंग है, हाफ राउंड और फुल राउंड बनाने के लिए पाइप ऐसा बेंडिंग करेगा को बेंडिंग करा मशीन रहूछि। अच्छा ठीक है, ये आता है आपका इलेक्ट्रिक पैनल बस जो बनाता है बास बार, जो कॉपर और तामार को जो पंचिंग बेंडिंग करते हैं, ये बास बार मशीन है। ओके ठीक है, ये नया आया है, ये आपका है हाइड्रोलिक हैमर मशीन है, ये हमर ठीक है, ये हाइड्रोलिक हैमर है। हाँ हाइड्रोलिक हैमर मशीन आछे, जो लोग आपका लोहे का काम करते है जहाँ पर वो पिटाई का काम होता है। कितना फेज? थ्री फेज। हाँ थ्री फेज है, आपको सिंगल फेज में भी मिल जाएगा। ओके हाँ छोटा भी मिल जाएगा, सिंगल फेज में छोटा भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड छोटो मध्ये मिल पारिबो आपण देखि पड़ते हैं। ये होची हमरो हाइड्रोलिंग आपण धुरमुसो जुटा को जाए, मतलब एटा सही मशीन अछि, बड़ो अछि, छोटो चाहिले आपण मध्ये नहीं पारिबे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर प्रेस मशीन है, हर तरह का एकदम पावर प्रेस मशीन है। तीन टन से लेके एक टन भी मिल जाएगा आपको, तीन टन से लेके 150 टन 150 टन तक मेरे पास रेडी में है। ओके और इसमें आप देख सकते हैं ये कस्टमर का एक ऑर्डर है। हाँ। ये वेंडिंग करने के लिए आप दिखा सकते हैं कस्टमर। तो फ्रेंड्स आपण देखि पड़ते ये जो मशीन अच्छी बहुत बड़ मशीन आदरे ये भले मोटा आपण माने कर जो रहला एंगल ना क्या सर? हाँ, ये बेंडिंग है, ये सब बैंड कर पर बेंडिंग करने के लिए ये डाई लगता है, इसमें ये बेंड होता है। ओके ठीक है, ये मेटल को आप चाहे ऐसे बना सकते हो। okay. आप जैसे भी डाई चाहेंगे, ये पावर पीस का टॉनिस के हिसाब से आपको मशीन लेना पड़ेगा। okay, उसके हिसाब से आपका बेंड पंचिंग सब। थ्री फेज का मशीन है, थ्री फेज का मशीन है। okay, ये आपका सिंगल फेज सर। जो मशीन अभी हमारा वीडियो जो देख रहे हैं, कोई आदमी मशीन लेगा तो यहाँ पर कोलकाता आएगा ना, वहाँ पर मशीन जाकर उड़ीसा में भी हम लोगों का कटक में जहाँ पर है वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या तो हम लोगों का मोबाइल नंबर भी आप लग सकते थे, यहाँ पर कलकत्ता में भी आके आप बात कर सकते हैं। ओके तो फ्रेंड्स आप नंबर दिया है जी, नंबर रे आपन कथा आई परबे दकर पहिले आपन एटिक आसी परबे। और आउरी बहुत जिंस अछि देखि परते ऊपर बहुत मशीन अछि, हाइड्रोलिक सरफेस ग्राइंडर है। इसका मतलब क्या है, काम है? ये सरफेस करता है सीट का। हाँ, प्लेट के ऊपर ये जैसा होता है इसके ऊपर सरफेस होता है, यहाँ पर आपका व्हील लगा रहता है। ये हाइड्रोलिक है, ये सबसे बड़ा है अभी तक मेरे पास जो स्टॉक में है, ये सबसे बड़ा है। 1000 mm × 300 mm का इसका चौड़ाई है और 1000 mm का इसका लेंथ है। ठीक है जी, इधर आइए सर। ये शटर प्रोफाइल मशीन है जी, इसमें शटर प्रोफाइल हम लोग जो गेट बनाते हैं शटर बनाते हैं, ये शटर प्रोफाइल मशीन है जी। तो फ्रेंड्स आप देख पड़ते बेटा शटर रो मशीन अच्छी तरह जी, शटर का जो क्या बनाएगा इसमें, शटर का वो जो बेंडिंग जो शटर जो प्रोफाइल ऐसे 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 जो बेंडिंग का जो होता है वो प्रोफाइल जैसा होता है वो। तो एडा शटर आपण बनिया पई मशीन रहू छी, आपको चाहिए बने पड़ेगा, मिल जाएगा वीडियो पूरा डाला हुआ है। सर क्या देखना पड़ेगा, कौन सा चैनल आएगा तो वीडियो मिल जाएगा? ये आपको लिखना पड़ेगा टीएल पाठक ग्रुप शटर प्रोफाइल मशीन YouTube में लिखेंगे तो ये आपका पूरा वीडियो इसमें पूरा डाला रहता है हम लोग का डिटेल्स के साथ, ये आ जाएगा। इधर आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक प्रेस है, ये एकदम आपका 25 टन से लेके पूरा आपका 150 टन तक मेरे पास रेडी में है। हाँ। आपको यहाँ पर ये सब गैरेज लाइन में लगता है, जहाँ पर बियरिंग वो निकालने के लिए बूस्ट निकालने के लिए काम पे लगता है। जी जी सर। अब वो साइड में आएंगे तो वहाँ पर लैंडिंग मशीन आपको दिखेगा जिसमें पाइप होगा, मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन रे आपण मानकू एठारे समस्त मशीन मिल जाउची, बहुत गुडे मशीन रहउची, या भीतर मिनिमम 1000 मशीन आपण मानकू मिल जइबो। मैं आपका पाइप का जो थ्रेडिंग होता है उसके लिए काम करता है, जो लोग पाइप का कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, पाइप थ्रेडिंग करे पाइप मशीन पानी का वाला पाइप होता है उसमें अगर रॉड में अगर थ्रेडिंग करना है, फाउंडेशन बोल्ड में थ्रेडिंग करना है तो इसके लिए आपका ये हर तरह का मशीन आपको थ्रेडिंग करे भाई। हां ये छोटा है, ये बड़ा मिलेगा आपका 65 इंच में। अच्छा इधर आ सकता है, ये है नेल मेकिंग मशीन, यहाँ पर काटी बांधने के लिए आता है। हाँ। ये नेल मेकिंग मशीन आप देख सकते हैं, कोई अगर छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है नेल मेकिंग मशीन का तो एक आपका 12x10 का रूम लेके भी ये इसमें आपका नेल मेकिंग मशीन बिठा सकता है, उसमें आराम से ये अपना छोटा बिजनेस जो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्केल बिजनेस होता है उसमें मशीन चालू कर सकते। ठीक अच्छी तो फ्रेंड्स आपको मध्य आप चाहिए नहीं पारे, समस्त मशीन तो गोटे जगह मिल जाऊँगी, नंबर दिया है कॉन्टाक्ट करने सीधा कलिकता रे जो मशीन फैक्ट्री अच्छी जोटे मशीन सब अच्छी जो गोदाम अच्छी गोदाम सहित आप जोड़ी हेल्ले समस्त मशीन को आप घरे बस किए। सर जी कोई आदमी आएगा नहीं, एक मशीन को उनको पसंद आ गया वो पैसा दे देगा तो मशीन आप भेज सकते हैं? मशीन हम लोगों का लोडिंग फ्री रहता है जी, लेके जाना और अनलोडिंग उनका हिस्सा में रहता है। अगर उनके पास अगर वो फैसिलिटी नहीं है हाँ। तो हम लोगों का कुछ वेंडर है हाँ। जो उनसे हम लोग कॉन्टेक्ट कर देंगे, वो मशीन लेके जाके उतार के वहाँ पर जो जहाँ पर बोलेंगे वहाँ इंस्टॉलेशन लेकर आएगा। ओके इंस्टॉलेशन हम लोग का टेक्नीशियन जाएगा वहाँ पर कमीशनिंग करके चालू करके हैंड ओवर देके आएगा। ओके जी क्या मशीन है ये है सीएनसी टीएमटी रिंग मेकिंग मशीन। ओके ये कंस्ट्रक्शन लाइन में जो लोग फर्स्ट का
लेता है ये ऑटोमेटिकली। इसका भी वीडियो हम लोगों का यूट्यूब में डाला हुआ है। अब सिर्फ टीएल पार्टनर ग्रुप सीएनसी टीएमटी रिंग ब्रेकिंग बोले तो ये आपको मिल जाएगा ये रिंग ब्रेकिंग के लिए। ये सीएनसी मशीन है। अच्छा सीएनसी मशीन मध्यम रहुची ए मशीन चाहिए आप नहीं पारे आप व्यवसाय भितर को जी आहरी अनेक मशीन अच्छी देखा से मेसीन उपर मध्ये कथा हबो तबे आसन मो सहित आउर मध्ये मेसीन आपण देखे दउची मेसीन आपण जेमि देखि पारथबे एठी एठरे लोड होवा पई बर्तन रेडी होची मेसीन उठे खुला होची ए भली जतो पैकिंग से जाएगा कोई भी मेसीन लेगा ऐसे पैकिंग जाएगा कोई एक्सपोर्ट में जाएगा या तो कोई चाहता है जे मेसीन मेरा सेफ्टी में बचे तो वो पैकिंग करवा के लेके जा सकता है। मेसीन पहुंचने तक गारंटी किसका है क्योंकि कोई मेसीन कुछ हो गया तो मशीन का कुछ हो गया अगर ट्रांसपोर्ट में कुछ होता है तो अगर वो ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस वाले नहीं देता है तो अगर हम लोगों का पॉसिबल होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं पार्टी को मशीन को उसको चालू करके फिर रेडी कर देने के लिए। सर ये सब क्या मशीन है? ये है शेयरिंग मशीन है। शेयरिंग ये मैकेनिकल शेयरिंग है। ये मोटोराइज में है सीट को काटने के लिए। हर तरह का आपको मेरे पास मिलेगा 2 फुट से लेके आपका 8 फुट 10 फुट तक शेयरिंग आपको मिलेगा। इसमें हर तरह का एक मैकेनिकल आता है एक हाइड्रोलिक आता है। ये आपको दिखेगा ये हाइड्रोलिक है। ये हाइड्रोलिक का है। ये हाइड्रोलिक है। ये हाइड्रोलिक मशीन आपको मिल जाएगा। सीएनसी चाहिए तो आपको सीएनसी भी शेयरिंग मिल जाएगा। ये रेडीमेड है। ये मैकेनिकल है ओवरकैंग शेयरिंग है। इसमें ये 6 mm के ऊपर ऐसा वाला मॉडल में आता है। 4 mm तक ऐसा वाला आता है। ये ओवरकैंग मशीन है ठीक है। और एक नया मशीन है ये है आप देख सकते हैं। ये पारपोरेटिंग मशीन बोलते हैं हम लोग। ये पारपोरेटिंग मशीन है ये आप देख सकते हैं नया। इसका भी वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स यदि आप जानिया चाहते यार डेमो देखिया पाई चाहते हर पाठक ग्रुप हर मशीन का डेमो मिल जाएगा। डेमो मिल जाएगा तो पाठक ग्रुप यूट्यूब चैनल को विजिट करने से आप जो मशीन चाहते तार डेमो देखि पारे देखिले आप आइडिया हो किसी मशीन अच्छी देखे देते हैं। ये रेडियल ड्रिल मशीन अच्छे जी। ये है आपका कंप्रेसर मशीन। हाँ कंप्रेसर ठीक है। ये है प्लेट रोलिंग मशीन छोटा बाहर में आपको दिखा रहा था जी जी जी। ये छोटा आप आ सकते हैं। ये पाइप टेपरिंग मशीन है। पाइप को टेपर करने के लिए ये मशीन यूज होता है। ओके ये पाइप टेपरिंग मशीन है ठीक है। पाइप टेपर मशीन हाँ पाइप को 2 इंच का पाइप को अगर 25 का करना है 50 के से लेके वो पाइप टेपर। इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में सब डाला हुआ मिल जाएगा ठीक है। अच्छा इधर आपको ह्यूज लेथ का स्टॉक मिलेगा जी। आप देख सकते हैं इधर बहुत सारा मशीन अच्छे तो आप देख पार्थे ए मशीन को जब आप कौन से मशीन किनवाई चाहते कि यार डेमो देखापी चाहते पाठक ग्रुप यूट्यूब चैनल को विजिट कर नियंतु देखिपर डिटेल्स आउ किसी मशीन अच्छी देखा भितर को जाकर बुले आसवा टे जी सर। ये बांसवान मशीन है मैं वहाँ पर भी दिखाया था वही उसका स्टॉक ऐसा नहीं है जो हम लोग 1-2 पीस लगता है आपको बहुत सारा मिलेगा आपको जितना चाहिए वो तो हम लोग देखे। ये शेपिंग मशीन है ये शेपिंग करते हैं मेरे पास 12 से लेके पूरा 40 तक पूरा रेडी है। थोड़ा हमको समझाओ शेपिंग मतलब क्या है थोड़ा हमको जानकारी चाहिए। इसमें अगर वो कोई लंबा सेफ्ट हुआ उसके ऊपर अगर चाबी घट करना है बॉडी में तो वो उसके लिए काम के लिए लगता है। शेपिंग का मतलब है शेप को उसको शेप देना है। ओके तो उसी हिसाब से आपका 12 mm से लेके आपके पास मेरे पास 40 mm तक पूरा रेडी है। हर साइज का आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा साइज का पूरा रेंज मेरे पास पूरा रेडी सब जगह रही तो 8 बड़ो मध्ये अछि। ये सब मशीन सर क्या है? हाँ ये इधर आ गया तो इधर आपको दिखेगा ये वुड वर्किंग मशीन के लिए होता है। हाँ जो लकड़ी का लो, हाँ, लकड़ी का काम जो करते हैं जी। ये बैंडसॉ मशीन आपको मिल जाएगा। ये 42 इंच का बैंडसॉ मशीन है जी 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 ठीक है। ये बैंडसॉ मशीन मिल जाएगा। हाँ, ये है होस क्रिम्पिंग मशीन पाइप को क्रिम करने के लिए जैसे हाइड्रोलिक पाइप डीजल पाइप इसको क्रिम करने के लिए जैसे ये पाइप ये सॉकेट के साथ यहाँ क्रिम होके लगा है क्रिम हो लगा हुआ है सेम यही चीज इसमें बनता है। ओके इसमें आप ये जो लोग आपका गैरेज लाइन में काम करते हैं उसको भी यूजेबल है जो फैक्ट्री में लगाना चाहता है वो भी ये वाला जो उसको चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा। तो आप देखी पड़ते हैं आप जो पाइप को आप ये सेट करेंगे पाइप जो नोजल मुहटा लगी आप सेट करेंगे ए मशीन द्वारा ए मशीन आपर जो आवश्यक अच्छे आप नहीं पारे यहाँ पर आप देख सकते हैं सब ये डिस्पैच होने के लिए रेडी में है। ये बाहर का देशों में जाता है हम लोग ऐसे आपका पेटी करके हम लोग भेजते हैं माने इंडिया बाहर को जाता है सेफली। हाँ यहाँ पर हमारे यहाँ से आपका नाइजीरिया दुबई ऑस्ट्रेलिया और हम लोग का जो पड़ोसी देश है नेपाल भूटान बांग्लादेश ये हम लोग पड़ोसी समझते हैं इनको कभी ये नहीं समझते एक्सपोर्ट। ये देख सकते हैं बड़ा बड़ा मशीन सब पेटी करके रखा हुआ है ये सब बाहर में जाएगा। तो आप देख पड़ते हो जहाँ सब पेटी अच्छी सब बाहर को जी बाहर देश को जी रेडी अच्छी आप मशीन लेकिन आप गोटे ग्यारेज आरम्भ करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन रे आपण काम आरंभ करि परिबे जे कोन से लाइन रे आपण अछंती एठरा आपण मशीन पाई परिबे तो बहुत प्राइस रे आपण मशीन मिल जियो जेहेतु मैन्युफैक्चर एठरा होची। और एक चीज है हार्ड मशीन हम लोग के यहां से जितना हो सके हम लोग ट्रायल करके यहां पर से भेजते
ताकि पार्टियों वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो और हम लोगों का आदमी जाता है वहाँ पर कमीशनिंग करके आता है। मैंने आपका आदमी जाकर वो इंस्टॉलेशन और फ्री सब? नहीं, इंस्टॉलेशन फ्री नहीं है, कस्टमर लोग फाउंडेशन वगैरह सब कर लेगा, मगर कमीशनिंग जो है वो हम लोगों की तरफ से वो फ्री रहता है, वो जाके कमीशनिंग करके आएगा। सर कुछ सर्विसिंग होगा तो? तो सर्विसिंग होगा तो बाद में होगा तो हमारा नंबर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या हम लोगों का कोई भी स्टाफ का नंबर से कॉन्टेक्ट करें तो सर्विस इंजीनियर कंपनी सर्विस भेजेगा, सर्विस का सुपरवाइजर है वो आपको पूरा अलर्ट करके सर्विस के लिए भेजेगा। ठीक है जी। सर जो मशीन देखना चाहता है आना चाहता है यहाँ पर विजिट आ सकता है? जरूर आ सकता है, कोई भी नंबर पे मेरे को नंबर पे कॉल कर सकता है या तो कोई दूसरा नंबर हम लोग का सरकार नंबर से कॉल कर सकते हैं तो मैं तुरंत उनको लोकेशन भेज दूंगा, चाहे तो यहाँ पर आके देख सकता है। तो नंबर दिया है जोजो करेंगे, ऑल मशीन अच्छी। जब आप वीडियो देखने चाहूँ व्हाट्सअप सार आप पठाईदे, जब आप चाहूँ फोटो आप पठाई दिजाव, जब आप जोजोग कर और अगर आपका रेडी स्टॉक में है, अगर कस्टमर नहीं आ पाता है तो उनको मैं वीडियो कॉल में भी मशीन दिखा सकता हूँ जी।